तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम बताएंगे कि आप कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हटा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करना या फिर दोस्तों को ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप नहीं जानते, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, आपका जो मोबाइल का जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो दोस्तों ऑटोमेटिक दोस्तों इनेबल हो जाता है, लेकिन दोस्तों आपको पता भी नहीं होता। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो हम ऐसे ट्रिक बताएं जिससे आप पता भी कर सकते कि आपका कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है या ऑफ है, और साथ ही साथ दोस्तों अगर ऑन है आपको लग रहा है, अगर ऑफ करना चाहते हैं या फिर बंद करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप किस तरह से कर सकते हैं आज के वीडियो में हम यही पूरे लाइव टू लाइव आपको दिखाएंगे पूरे लाइव प्रूफ के साथ। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। और साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो में हम जो तरीके बताएंगे दोस्तों 2024 का एक 100% न्यू तरीका होने वाला है, जो कि दोस्तों यूट्यूब पर अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। अगर आप इस ट्रिक को अगर लाइव प्रूफ देख लेते हैं तो दोस्तों आपको मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप बहुत इजीली आपका कॉल फॉरवर्डिंग को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करना, किस तरह से करना लाइव प्रूफ बताएंगे, उसके लिए आपको क्या करना, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते ही। दोस्तों आप अपने मोबाइल में कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हटा सकते हैं, या फिर अपना जो कॉल ट्रांसफर अगर हो चुका है किसी के साथ, तो दोस्तों उस ट्रांसफर कॉल को आप फॉरवर्डिंग कॉल को आप किस तरह से बंद कर सकते हैं आज की इस वीडियो हम पूरा लाइव प्रूफ बताएंगे। उसके लिए आप सभी से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा आप हर एक स्टेप का पूरे ध्यान से देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखते हो तो दोस्तों आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हो कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल के डायलर ऐप को ओपन कर लेना है, और यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका जो मोबाइल नंबर हो वो किसी के साथ फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि दोस्तों आपका जो कॉल है वो फॉरवर्डिंग ऑन है यानी कि दोस्तों एक्टिव है या नहीं, उसको आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आप यहां पर डायल करना है, एक कोड डायल करना है *#, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 21, उसके बाद दोस्तों हैज, उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर कॉल कर देना, और यहाँ पर क्लिक करने दोस्तों यहाँ पर मेरा दो सिम है तो दोस्तों मैं वोडाफोन का यहाँ पर चेक करूंगा, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डिटेल्स निकल कर आ चुका है कॉल फॉरवर्डिंग, और यहाँ पर देखिएगा वॉइस नॉट फॉरवर्ड और साइन नॉट फॉरवर्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है मेरा जो नंबर है वो किसी भी नंबर के साथ यहाँ पर कॉल ट्रांसफर या फिर फॉरवर्डिंग एक्टिव या फिर ऑन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका ऑन रहेगा तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर वो वाला मोबाइल नंबर यहां पर दिखा देगा। तो दोस्तों अगर आपका एक्टिव है यानी कि दोस्तों अगर कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है तो दोस्तों आप उसको किस तरह से बंद कर सकते यानी कि दोस्तों हटा सकते हैं, उसके लिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम एक नहीं बल्कि दो दो तरीके बताएंगे। अगर आपके मोबाइल में एक तरीका वर्क नहीं करता तो दोस्तों दोनों में से एक ना एक तरीका तो जरूर वर्क करेगा। तो दोस्तों सबसे पहला फास्ट और पहला तरीका कौन सा है, उसके लिए आप अपने मोबाइल के जो सेटिंग ऐप है इसको ओपन कर लीजिएगा, और यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च बार पर क्लिक करना है। दोस्तों यहां पर आपको लिखना है कॉल सेटिंग, ये लिखने के बाद आपको सीधे से यहां पर सर्च कर देना है, और यहां पर देखिए फाइनली ऊपर में आ चुका है कॉल सेटिंग, तो दोस्तों हम सीधे से यहां पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर आने का दोस्तों यहां पर देखिएगा एक ऑप्शन है यहां पर तीसरे नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग, तो दोस्तों आपको सीधे से यहां पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आपके मोबाइल में दो सिम है तो दोस्तों यहां पर शो हो जाएगा, तो दोस्तों मेरा दो है BSNL मोबाइल और दूसरा वोडाफोन, तो दोस्तों हम फिलहाल चेक करेंगे वोडाफोन का, तो दोस्तों मैं यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पर दो ऑप्शन है, पहला है दोस्तों वॉइस और दूसरा है वीडियो। अगर आपका वॉइस का अगर ट्रांसफर हो चुका है कॉल फॉरवर्डिंग तो दोस्तों आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। यहां पर देखिए अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर दोस्तों प्रोसेसिंग होगा, और दोस्तों प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस टाइप से आता है, यहां पर देखिएगा ऑलवेज फॉरवर्ड, यहां पर मेरा ऑफ है, अगर यहां पर देखिएगा व्हेन बिजी, यहां पर अगर आप ऑन कर देते हैं, यहां पर मान लीजिए आप किस नंबर पर अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग ऑन करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरा एक नंबर यहां पर सपोज मैंने एक डायल कर दिया है, हो सकता है आपको कुछ इस टाइप से दोस्तों यहां पर ऑन रहेगा यहां पर। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो मेरा कॉल फॉरवर्डिंग है दोस्तों यहां पर ऑफ है, तो दोस्तों हो सकता है अगर आपको ऑन रहेगा तो दोस्तों आपका जो यहां पर मोबाइल नंबर यहां पर शो हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा ऑफ है, उसके बाद देखिएगा अगर मैं यहां पर बैक करते हैं यहां पर वीडियो कॉल सेम इसी तरह से रहेगा। अगर आप यहां पर जो ऑफ ऑप्शन है हो सकता है ऑन रहेगा तो दोस्तों आप इस सेटिंग को आपको ऑफ कर देना अगर ऑन रहता है। तो दोस्तों ये था फर्स्ट और पहला तरीका, और दोस्तों हमारा जो दूसरा तरीका होने वाला है वो दोस्तों कौन सा है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल के जो फोन डायलर ऐप है इसको ओपन कर लीजिएगा, और यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको यहां पर
एक कोड डायल करना है। अगर आपका कॉल फॉरवर्डिंग अगर आपको इसको हटाना चाहते हैं, दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर कोड डायल, कौन सा कोड डायल करना है। यहाँ पर देखिएगा आपको लिखना है तो डबल हैज, उसके बाद दोस्तों 21, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हैज, उसके बाद दोस्तों कॉलिंग, और एक क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको, यहाँ पर मान लीजिए मैं BSNL वाले पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कोड रनिंग होगा, और यहाँ पर देखिए कॉल फॉरवर्डिंग इज सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर आपके अगर मोबाइल नंबर अगर किसी के साथ यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर वो जो नंबर है वो दोस्तों यहाँ पर इरेज हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो दोस्तों ऑफ हो जाएगा या फिर दोस्तों हट जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरह से बहुत इजीली अपने मोबाइल पर, वो चाहे दोस्तों ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, रेडमी या फिर कोई भी कंपनी का मोबाइल हो, दोस्तों आप इस ट्रिक के जरिए आप बहुत इजीली अपने मोबाइल का जो कॉल फॉरवर्डिंग ऑप्शन है या फिर दोस्तों जो कॉल फॉरवर्डिंग प्रॉब्लम है उसको आप बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हमने पूरे लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाया कि आप किस तरह से बंद कर सकते हैं अगर आपका कॉल फॉरवर्डिंग ऑन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, और दोस्तों आज का जो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा भी नॉलेजेबल और यूजफुल है तो दोस्तों वीडियो में एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों फिर मिलते हैं इसे एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।